एरिया वो है। नेक्स्ट वर्ल्ड देखेंगे आपको तो ये ध्यान रखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेकर और आपको केवल 2002 तक की चीजें आ जाती है हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में जोड़ दिया गया है, ये सारा एरिया पूछ देता है। अब रहा थोड़ा बहुत अगर अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन जान ले, थोड़ा सा फ्रांसीसी क्रांति जान ले, थोड़ा सा आपको रशियन क्रांति जान ले, थोड़ा सा चाइनीज क्रांति जान ले, ठीक किसी ढंग से मार्क्सवाद को जान ले, तो निश्चित रूप से आपके नॉलेज काफी बेहतरीन हो जाएंगे। इस एरिया से ज्यादा डेप्थ एरिया में हम लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा सा फिर हम आगे बढ़ते हैं, इस तीसरे पॉइंट के बाद चौथे पॉइंट की ओर अगर हम लोग बढ़े तो चौथा में हम लोगों को देखना है जो ज्यादा एरिया में आता है वह है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आजकल फिर आ रहा है भारत का संविधान, भारत का संविधान। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी एकदम लिमिटेड एरिया है, ज्यादा नहीं और समझ के ज्यादा पढ़ना है। अगर पांचवें एरिया में देख ले हम तो क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स में भी करंट इकोनॉमिक्स एंड थ्योरी इकोनॉमिक्स दोनों अलग अलग है, ये क्वेश्चन ज्यादा आता है और थ्योरिटिकल इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा कम आता है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, करंट ज्यादा आता है। अगर हम छठे एरिया में देख ले तो यहां पर आपको इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन ज्यादा आता है, इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन ज्यादा आता है। और यदि हम इसी को दूसरा सातवां पार्ट देखें तो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन ज्यादा आता है, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद एक आठवां टॉपिक फिजिकल ज्योग्राफी भी आता है, जनरली बिहार पुलिस वगैरह में देखेंगे या बिहार दरोगा में, तो फिजिकल से भी आता है कि सियाल क्या है, साइमा क्या है, मीफे क्या है, ग्रह क्या है, उपग्रह क्या है, फिर इसी ढंग से किसका परिक्रमण काल क्या है, किसका घूर्णन काल क्या है, ये सब क्वेश्चन एकदम से इसमें आता है इस ज्योग्राफी एरिया की ओर। अगर इस टॉपिक को यहां तक हो गया ना जी, इससे थोड़ा सा हम आगे एरिया में देखें बढ़कर हल्का सा कि क्या एरिया है हम लोगों का, तो फिर देखेंगे कि फिजिक्स वगैरह जो है इससे क्वेश्चन जो है ज्यादा आ रहा है। लेकिन ध्यान रखेंगे यूजुअल फिजिक्स, साइंटिफिक साइंस नहीं आता है, जनरल साइंस आता है हम लोगों को। तो इस तरह से फिजिक्स में जो व्यवहारिक है, घर में फ्यूज है, हीटर है, इमर्सन रॉड है, रेफ्रिजरेटर है, या फिर बर्फ है, आपका बर्फ के कंसंट्रेशन है, उसका तैरना है, या फिर पृष्ठ तनाव है जिसको सरफेस टेंशन कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, इस सब आपको क्वेश्चन इस फिजिक्स से आता है जो जनरल यूज की चीजें हैं। ठीक किसी ढंग से आपका केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आता है, लेकिन ध्यान रखेंगे केमिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। बायोलॉजी से क्वेश्चन जो है ये रहता है। अब बायोलॉजी में जो एरिया है इसमें इसमें भी सामान्य बीमारी वगैरह से संबंधित क्वेश्चन ज्यादा आता है, यानी ये दो एरिया है जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आता है, इसमें भी अधिक क्वेश्चन आते हैं, तो इन क्वेश्चन को हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो लीडिंग एरिया हम लोगों का है ये थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। अगर हम लीडिंग एरिया में जाते हैं तो हम थोड़ा देखेंगे कि उस एरिया से क्या क्वेश्चन आता है। अगर हम देखें यहां तो एग्रीकल्चर ये सामान्य लोग नहीं बना पाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं कृषि, ठीक है। इसमें नए नए अनुसंधान हो रहा है कि ट्रांसजेनिक सीड क्या है, ठीक किसी ढंग से आ रहा है बैसिलस थुरिंजियसिस टेक्नोलॉजी क्या है, ये सब आपके बीटी कॉटन बनाने में प्रयोग किया जा रहा है, ठीक किसी ढंग से आपको हाइब्रिड सीड क्या है, गेहूं का नाम पूछ देगा,
बाकी सिंपल तो अबे करता है आपको कि जायद फसल क्या है या फिर आपको रबी फसल क्या है, खरीफ फसल क्या है, लेकिन इकोनॉमिक्स में जो एरिया है उस एग्रीकल्चर से जोड़कर ही डाल दे रहा है कि किस ग्रेन का उत्पादन में विश्व का नंबर वन कंट्री कौन है, या फिर इंडिया में कौन से स्टेट है जो सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं, कितना उत्पादन कर रहे हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं क्या है, राज्य सरकार की योजनाएं क्या है, इन पर भी फोकस हमको करना है। ठीक किसी ढंग से लीडिंग में ये भी एरिया थोड़ा सा आ जाता है, हालांकि ये क्वेश्चन की भूमिका काफी कम है। एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशु चिकित्सा, इन सब एरिया को भी हमें देखना चाहिए। इसी ढंग से आपका एरिया आ जाता है स्पेस टेक्नोलॉजी, इससे भी क्वेश्चन आपको ज्यादा आ रहे हैं। ठीक इसी ढंग से आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनसे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आजकल एग्जाम में आ रहे हैं। इन एरिया को देखना है कि प्लाज्मा टेक्नोलॉजी क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, या सुपर कंडक्टिविटी क्या है, स्पेस टेक्नोलॉजी में क्यू बाउंड बैंड क्या है, या फिर ऑसन सेट क्या है, ग्राम सेट क्या है, ये सब क्वेश्चन आपको आ रहा है। और ये जो तीन पचिया कोचिंग वाले लोग हैं, मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा, लेकिन आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बाजारों पर लोग पढ़ाना शुरू कर दिया है, जो कभी एक अच्छे नए यूनिवर्सिटी से जुड़ सके और ना अच्छे जगह वो किसी प्रकार के कोई नॉलेज ले सके, वो लोग भी बस देखा लेखा टाइप के लेखक हो गए हैं। वे लोग हाट बाजार पर, और गार्जियन को क्या चाहिए, बिहार में एक मददगार चाहिए। तो हमारे अभिभावक भी कम दोषी नहीं है कि अपने बच्चों को वो कहते हैं जो पढ़ाएंगे छपरा वाले, जो पढ़ाएंगे स्टडी पॉइंट वाले, वही पढ़ाएगा मेरा गरखा बाजार वाला, बनियापुर वाला, एकमा वाला, मशरख वाला, दिगवारा वाला, परसा बाजार वाला। अब हम नाम मजबूरी में ले रहे हैं सब क्षेत्रों का, हालांकि वहां के लोग सुनेंगे तो थोड़ा सा खिसलाएंगे कि सर हम लोगों की बुराई, बुराई की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, नॉलेज की बात, कि वो भी कुछ ना कुछ नॉलेज दे रहे हैं, लेकिन वो नॉलेज केवल जानकारी के लिए नॉलेज। आप इसको बढ़िया से समझिए कि जो भी आपको छोटे स्तर पर लोग 200 150 100 रुपया महीना करके पढ़ा रहा है। अभी आपको पटना में ही कुछ कोचिंग देखे हैं कि कुछ लोग और पब्लिक की सेवा कर रहा है, लोग काफी फेसबुक पर हंगामा मचाया है, लोग डिजिटल बोर्ड से हंगामा मचाया है, लोग यूट्यूब पर भी हंगामा मचाया है, लोग वो पैसे कम जरूर कर दिए हैं, लेकिन जो नॉलेज देना चाहिए उनके पास भी रियली नॉलेज नहीं है। हकीकत बता रहे हैं, उनके समर्थकों की संख्या ज्यादा हो गई है, वो मार्केट बहुत अच्छा पकड़ने में मास्टर है लेकिन जॉब देने में मास्टर नहीं है, वो दरोगा उनका निकल रहा है तो वे लोग उसको दिखा रहा है।